बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करे। हाज़िर हुआ एक नई वीडियो के साथ। जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल का आइकन प्रेस करे ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो में मेरे लिए खुशखबरी भी है जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। हर शौकीन के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। तो आपको भी पता होगा, अगर आपने शौक़ रखा हुआ है तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा, कुछ भाइयों के कमेंट्स थे मेरी वीडियोस पे, तो उनका भी जवाब दूंगा और आप दोस्तों का भी फ़ायदा होगा उसका। तो चलते हैं पहले खुशखबरी की तरफ। तो अभी मैंने दाना वगैरह डाला है, ठीक है ना। दाना मैं जब डालता हूँ तो मैं अपने तमाम परिंदों को बड़े गौर से देखता हूँ, ठीक है, जो खानों में भी हैं और जो कमरों में भी है, बड़े गौर से देखता हूँ। वीडियो का रिज़ल्ट इस वजह से सही नहीं आ रहा क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया है, ठीक है। तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये इस साल का मेरे ब्रीडर कबूतरों का पहला बच्चा निकला है, तो मैंने जब देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। ये मेरे प्रिंस गोल्डन कबूतर हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये मादी है, ये देखें, ये पहला बच्चा निकला है, ये देखें जी, ये आज ही निकला है, ठीक है। अभी एक अंडा पड़ा हुआ है, उसका बच्चा भी निकला ही नहीं है, ये एक अभी पहला निकला हुआ है। तो ये इस वजह से भी निकला है क्योंकि ये जो जोड़े थे ना, ये 9 जोड़े ये मैंने पहले लगाए थे तमाम जोड़ों से। तो अभी हो सकता है कल एक दो दिनों में इस पेयर के बच्चे निकल आए, ठीक है। तो इस पेयर के निकलेंगे बच्चे, ये देखें, इसने भी अंडे दिए, ये भी पेयर निकालेंगे बच्चे, और उसके बाद निकलेंगे इस पेयर के, ठीक है। ये पेयर भी इसी के साथ अंडे दिए थे, फिर ये भी है, ये जो 6 पेयर है ना, ये एक साथ जो है ना बच्चे देंगे। तो इंशाल्लाह ये भी क्लच इस मंथ जो है ना, इस साल का स्टार्ट होना शुरू हो गया। तो ये भी देखें, अंधेरा भी हो गया, दाना दे मैंने पहले ही डाल दिया था, दाना खा रहे हैं कबूतर, काफ़ी उन्हें तो खा लिया। तो कुछ भाइयों ने ये कमेंट्स किए थे मेरी वीडियोस पे कि हमारे जो बच्चे हैं ना उन पे दाने निकाल रहे हैं। तो दानों के मुतल्लिक मैंने अपने चैनल पे 4-5 किस्म के इलाज बकायदा रिज़ल्ट के साथ मैंने वीडियोस बनाई हैं और रिज़ल्ट भी है उनका, मतलब मेरे अजमूदा जो इलाज है ना वो मैंने अपने चैनल पे वीडियोस डाली भी है। मैं इसके वीडियोस के स्क्रीन के एंड पे लगा भी दूंगा और डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी डाल दूंगा। 3-4 किस्म की वीडियोज़ है और सारों के मैं लगा दूँगा, तो इंशाल्लाह वो आप देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन दाने इस सीज़न में नहीं निकलते, अभी जो सीज़न स्टार्ट हो गया ये दानों वाला सीज़न नहीं है। हो सकता है वो उन्होंने गर्मियों में बच्चे लिए हों, जो पीछे तो 3 महीने थे, वो इन्होंने बच्चे लिए हों तो उस वजह से जो है ना दाने निकल सकते हैं। क्योंकि मैं 2-3 महीने जो रेस्ट देता हूँ ये इसी वजह से देता हूँ कि बच्चों पे दाने अक्सर निकल आते हैं, क्योंकि मच्छर तो हर जगह होते हैं, मच्छर के काटनों से दाने निकलते हैं। तो इस वजह से इन महीनों में जब मच्छर हों तो ब्रीड लेनी ही नहीं चाहिए, तो मैं इस वजह से ब्रीड नहीं लेता। लेकिन दानों का इलाज है, मैंने बकायदा आजमाया हुआ है और वीडियोस भी डाली हुई हैं, वीडियो में भी मैंने आजमा के बताया हुआ है कि ये देखें बच्चे पे पहले कि दाने कितने थे, इलाज के बाद वो कैसा हो गया। तो इंशाल्लाह इलाज हुआ, वहाँ से आपको जब आप लिंक खोलेंगे तो वो आप वीडियो देख लेंगे। तो इसी तरह यही कुछ सवाल थे, ठीक है, और कुछ सवाल जो है ना जो मैंने कमेंट्स में ही अपने दोस्तों को जवाब दे दिया, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो प्यार से वीडियो देखते हैं, जो कमेंट्स करते हैं, उनको मैंने कमेंट्स में ही जवाब दे दिया। लेकिन ये वीडियोस के मुतल्लिक था, तो ये एक कमेंट्स में मैं बता नहीं सकता था, इस वजह से मैंने वीडियो में सारा कुछ बता दिया। तो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में लगा दूँगा उसका, तो आप देख सकते हैं। तो ये अभी ब्रीड भी स्टार्ट हो गई है, ये भी खुशखबरी है, और साथ साथ जो है ना आपको जो बीमारी का इलाज भी बता दिया है। तो ये मेरे कबूतर अभी दाना खा रहे हैं, ये मगरिब का टाइम हो गया है, कल इंशाल्लाह यहाँ पे टूर्नामेंट भी उड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, जो नागावार पिरते हैं 3 पिरतों वाला वो और 5 पिरतों वाला, तो ये कल से उड़ना स्टार्ट होंगे 28 तारीख से, तो वो भी स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह। तो ये अभी चारों ने दाना वगैरह खा लिया है, तो ये मगरिब का टाइम हो गया, अजान अभी ख़त्म हुई है, जब मैंने वीडियो से उस टाइम स्टार्ट नहीं की थी तो अजान हो गई थी। तो ये भी मैं इनकी लाइट जलाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि अंधेरा हो गया थोड़ा सा। इन्होंने दाना वगैरह खा लिए, ये वो नर हैं जो हम उड़ाते हैं, ठीक है, ये उड़ाई वाले नर हैं। तो आज की वीडियो में
इतना ही। इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए शौकीनों के लिए बहुत मालूमती वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, कल एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।